हेलो फ्रेंड्स, अभी रात के बज रहे हैं 9:15 और मुझे आगे कितना टाइम हो गया, कितना कौन है लाडो छुपा लिया क्योंकि और ये है बाबू बाबू सुबह जाएगा अपने दादू के घर। नानी के घर नहीं अच्छा लगता, पूरा घर पिंक होता तो रहते। अब तुम्हारे लिए पूरा घर पिंक करा है, बिस्तर पिंक नहीं होना चाहिए। ओके। और ये है मेरी मम्मी। मम्मी आज मम्मी की साड़ी हमारी साड़ी मैच कर रही है। मम्मी ग्रीन ग्रीन ना मम्मी। सो फ्रेंड्स, सडन हम लोगों को लखनऊ के लिए निकलना पड़ रहा है। हमने स्टार्टिंग का कोई ब्लॉग स्टार्ट ही नहीं करा था, और जो आप स्टार्टिंग का देख रहे हो ये पार्ट कल के ब्लॉग में मैं डालना भूल गई थी, लेकिन अभी जब मैं एडिट कर रही थी मुझे पार्ट दिखा तो मैंने कहा नहीं यार, मुझे ये पार्ट ज़रूर डालना है, क्योंकि आप देख लीजिए है ना, हर एक सुख से बढ़ के है माँ की गोद। अगर माँ की गोद में आपका सिर है तो ऐसा लगता है कि आप जन्नत में हो। तो यहाँ पर मेरे पापा मम्मी हैं, दे रहे हैं एक उसमें डब्बे में करके दूध की, बाबू को भूख लगेगी रात के लिए, बाहर से कुछ मत लेना, सब बता रहे हैं पापा मम्मी। तो अब हम लोग यहाँ से निकल गए, आप देख सकते हो पूरा अच्छे से कवर किए थे, लेकिन कार में बैठे तो हमने जो है दुपट्टा निकाल दिया। और ये हमारे घर के बाहर है, देखो यहाँ पर मेरा स्कूल दिख रहा है जो आप देख रहे हो ना डबल तल्ले का, तो ये स्कूल है, हाई स्कूल तक है, माँ सोना देवी शिक्षण संस्थान करके। तो अगर आप लोग ढकवा सोनपुरा सोनावा के हो तो यहाँ पर एडमिशन करा सकते हो। ये देखिए, तो ये हमारा स्कूल है और हमने सोचा रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाना चाहिए। और एक केले की खेती हो रखी है, तो रास्ते का व्यू हम कुछ कम ही रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन ये मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि हमें आप लोगों के साथ मन किया कि शेयर कर देना चाहिए। एक टाइम था जब मैंने ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करा था, मुझे कुछ भी नहीं पता था ब्लॉगिंग का, मतलब कुछ भी, मैं तो उस टाइम मैं अगर कहीं घूमने जाती थी तो रास्ते का ज़्यादा रिकॉर्ड करती थी, बट अभी ठीक है रास्ते का कम करती हूँ क्योंकि आप लोगों ने ही बताया सिखाया। तो अब हम लखनऊ पहुँचने वाले हैं, पहुँच जाते फिर बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, हाँ बेटा, अभी शाम के बज रहे हैं 6:15 और घड़ी हमारी बंद हो गई है, ये देखिए ठीक है। और जस्ट हम घर पहुंच रहे हैं, 5:45 हो रहा है, तो चल रहे हैं इस ड्रेस को चेंज करने, इतना टाइम बाद लखनऊ आए हैं। अभी चलते हैं, देखते हैं, अरे यार किचन उचन देखने लायक नहीं है, सबसे पहले हम ड्रेस चेंज करें। वैसे हम कहीं रुके ही नहीं है, कुछ किए ही नहीं है, सिर्फ कार में ही बैठे हैं, तो फिर ड्रेस क्या चेंज करना, रहने दो, चेंज नहीं करते हैं क्योंकि घर से निकले हैं ड्रेस पहन के, कहीं आप देख सकते हो ओठ एकदम सूख गए, पानी तक हम लोग कहीं नहीं पिए हैं डर की वजह से। तो चलो मैं आप लोगों से सबसे पहले मैं जाऊँ चाय बना लूँ क्योंकि सिर बहुत ज्यादा दुख रहा है मेरा, मैं आप लोगों से बात करती हूँ, बात करती हूँ आपसे। हमने चाय रख दिया है, पक रही है, तो हम चल रहे हैं देखने, जो हमने हरी पत्ती लगाई हुई थी वो है कि ओ माय गॉड, हमारे प्लांट्स हमारे सूख गए हैं, ओ गॉड। यही एक दो प्लांट रह गए हैं, इनको मैं कार में भर के ले चलूंगी घर, बाकी आप देख लीजिए। ओह माय गॉड, क्या बोलूं मैं, सारे प्लांट सूख गए हैं। कम से कम आपको तो केयर करनी चाहिए थी प्लांट की, इतना टाइम नहीं कि बालकनी में चले जाओ। चलो अब क्या कर सकते हैं, अब तो मन करे कोई प्लांट ही ना रखें। हाँ वही चीज,
प्लांट में भी जान होती है। बल्कि यहाँ वाला है देखो, अच्छा तो मतलब जो सामने दिखा उसको सही करते रहो, बाकी और कुछ नहीं यार। चलो यहाँ पर एक साइड में मैंने रख दिया है, दूध उबल रहा है, और एक साइड में हमारी चाय बन रही है। अभी देखते हैं क्या बनना है, डिनर में क्या खाना है। देखो ज्यादा कुछ मत बताना, थके बहुत हैं। पार्टी 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 तो बनते। ओके तो एक साइड पे हमारी चाय बन रही है और दूसरे साइड में हमने वो रख दिया है दूध उबलने के लिए, क्योंकि बाबू को भी भूख लग गई होगी हमारे साथ साथ। उसने भी कुछ नहीं खाया क्योंकि हम लोग कहीं रुके ही नहीं हैं, डायरेक्ट घर पे ही आके रुके हैं। दूध हमारा उबल गया है तो हमने बंद कर दिया। अब हम यहाँ पर बना रहे हैं ब्रेड बटर, क्योंकि सबको भूख लग गई है। देखिए तो हम और दीप दोनों जन मिल के बना रहे हैं। माइक्रोवेव में डाल देंगे, हो जाएगा, टाइम थोड़ा सा कम लगेगा। इतनी तेज़ से भूख लग गई थी कि क्या बताएं। सच में अगर ये कोरोना ना होता तो हम लोग अब तक बाहर से ऑर्डर कर लिए होते, खा भी लिए होते, लेकिन इसके चक्कर में कुछ नहीं हो पाया। घर से जाते टाइम ही ब्रेड वगैरह लेके गए थे, क्योंकि ताकि मैं कहीं रुकना ना पड़े। और भाई भी साथ में, हम भाई को लिवा के गए हैं। ये हमारा छोटा भाई है जो कि तैयारी कर रहा है। आप लोग पूछते हो कि आपके छोटे भाई क्या करते हैं, आप कितने भाई बहन हो, तो हमने आप लोगों से कई बार बताया कि हम दो भाई एक बहन, मतलब बहन मैं हूँ और दो मेरे भाई, एक राहुल है यूपी ब्लॉगर आराध्या के पति देव, और एक के छोटे, इनकी शादी नहीं है अभी, ये तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हो क्योंकि हमारी फैमिली काफ़ी लंबी है ना, तो इस वजह से शायद आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो। वैसे तो मैं छः बहन हूँ, मतलब चाचा की लड़कियाँ हैं, और छः बहन छः भाई वैसे करके हैं। इसके बाद दादू की जो चार भाई हैं, वैसे 12 बहन और 12 भाई हैं ऐसे करके। तो हमारी जो फैमिली है वो बहुत ही बड़ी है, आप लोगों ने देखा ही है। और अभी तो सिस्टर की शादी पड़ी है तो आप देखिएगा, मतलब हमारी जो फैमिली है वही एक बारात कितनी फैमिली है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे यहाँ ना भी भीड़ होगी ना तो भी हमारे परिवार के लोग जितने हैं अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो आप देखेंगे तो लगेगा कि यार कितनी भीड़ है, लेकिन वो हमारी फैमिली ही है। हमारी फैमिली दो जगहों पर रहती है, हमने आप लोगों से बोला ही हुआ है ना, एक यहाँ पर रहती है, एक और एक गाँव है वहाँ पर रहती है। तो यहाँ पर जो फैमिली है वो उसमें 54 लोग हैं, वहाँ जो फैमिली है वहाँ पर भी इतने ही लोग हैं, तो हमारी फैमिली ही काफ़ी बड़ी है। यहाँ पर अब देख लीजिए, मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हुआ है। कुछ हमारा ब्रेड बटर अच्छे से टोस्ट हो गया है, इसके बाद कुछ हम फिर से ले गए हैं लगाने के लिए, और यहाँ पर भाई कुछ मोबाइल में देख रहा है। तो बस चाय, हाँ हम गए थे चाय छानने के लिए कि चाय छान ले आएँ, तो बस यही है। चलो मैं लगा देती हूँ म्यूजिक, आप लोग इंजॉय कीजिए। देखो लेके आ भी गई चाय। अच्छा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स अभी रात के बज रहे हैं, कितना 8 बज रहा है इस घड़ी में, 3 बज रहा है यार, सही कर दो, एक मिनट दो अपना फोन सेल खराब मैं देख लूँ। 132 ADP चेंज कर दो, बहुत पुरानी हो गई है, बहुत पुरानी हो गई है। तो नहीं कहीं गए नहीं, खींचो कहीं दिखा दो। ये कोरोना आके सबको रुला रहा है, और ब्लॉग भी काफी लंबा कोरोना हो गया। करता है कुछ करो ना। कुछ करो ना, मतलब कुछ करो, कुछ नहीं देखो भाई, दोनों हिसाब से निकलता है, कुछ करो ना जैसे अब बोलते हैं, समझने वाले नहीं कुछ करो ना प्लीज, कुछ करो ना, एक ही हो गया, एक कुछ करो ना। मतलब कुछ भी ना करो। तो जैसे हाँ समझा पाओ। मतलब हर सिक्के के दो पहलू, डिपेंड आप पे करता है कि आप उसको किस वे में ले रहे हो। देखो अभी कोरोना का ही ले लो जैसे कि करो ना, तो करो ना मतलब मत करो, एक करो ना। तो उसी हिसाब से तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गया, कब से आप लोग अपने जीजू को मिस कर रहे थे भैया, कितना सब तुम्हें मिस किए हैं। हाँ सबको ढेर सारा हाय बोल दो। सबको सब बाबू को, जीजू को, मतलब दीदी से सब उब गए थे, बाबू जीजू को सब मिस कर रहे थे। देखो बाबू ये है, बाबू हाय हाय कर लो बेटा, करो कितना अच्छा हाय करते हैं। तो अभी मैं चल रही हूँ करने प्रिपरेशन डिनर की, क्योंकि डिनर मुझे ही बनाना है, और ब्लॉग लंबा हो गया है, मैं इस ब्लॉग का करूंगी एंड। आने के बाद लखनऊ ना, जो मेरी हालत खराब हुई है, सारी चीजें देख के सिर चकरा गया, मैंने
मतलब कैमरा लगाने भर की हिम्मत नहीं थी कि मैं कैमरा लगा। सबसे ज्यादा मुझे दर्द हुआ ना जो मेरे प्लांट्स सूख गए हैं। तो चलो मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, करती हूँ इस ब्लॉग का एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑलवेज, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव, गुड नाइट। गुड नाइट इसलिए क्योंकि मेरा वीडियो रात में जाता है। ओके बाय।